नमस्कार, मैं हूँ दिवांजलि मोइत्रा। कहते हैं कि मुश्किल वक्त इंसान को मजबूत बना देता है और वो हौसला दे जाता है जिससे वो आने वाले दिनों की चुनौतियों को सुलझा सके। ऐसा ही हौसला ज्योति का था, जो गुरुग्राम से दरभंगा अपने पिता को साइकिल पर बिठा कर ले गए। ये हिम्मत ही तो थी जो 15 साल की लड़की ने 7 दिन में 1200 किलोमीटर की दूरी नाप दी। ज्योति के इसी जज्बे की परीक्षा अब साइकिलिंग फेडरेशन लेगा। ज्योति को ट्रायल्स के लिए अगले महीने बुलाया जाएगा और अगर ज्योति ट्रायल्स में पास हो गई तो उसे इंदिरा गांधी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स स्थित स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल साइकिलिंग एकेडमी में दाखिला मिल जाएगा और इन सब का खर्चा साइकिलिंग फेडरेशन ही उठाएगा। कंप्यूटरीकृत साइकिल पर ट्रायल लेने के बाद 7-8 मानकों पर खरा पाए जाने पर ज्योति ट्रेनी बन सकेगी। दिल्ली आने जाने और रहने का सारा खर्च फेडरेशन उठाएगा। बता दें कि ज्योति के पिता मोहन पासवान गुरुग्राम में ई रिक्शा चलाते थे। उन्हें चोट लग गई थी और इसी बीच लॉकडाउन होने के चलते उनकी कमाई का जरिया भी खत्म हो गया। ई रिक्शा मालिक को पैसे लौटाने के बाद पिता पुत्री ने 10 मई को साइकिल खरीदी और अपना सफर शुरू किया। ये 16 मई को अपने घर दरभंगा पहुंचे। साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की ये पहल निश्चित तौर पर सराहनीय है। इतना ही नहीं, सपा सांसद अखिलेश यादव ने भी ज्योति को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा था, सरकार से हारकर एक 15 वर्षीय लड़की निकल पड़ी है अपने घायल पिता को लेकर सैकड़ों मील के सफर पर, दिल्ली से दरभंगा। आज देश की हर नारी और हम सब उसके साथ हैं। हम उसके साहस का अभिनंदन करते हुए उस तक 1 लाख रुपए की मदद पहुंचाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से ज्योति तक अभी भी कोई मदद नहीं पहुंची। ज्योति ने अपना पोटेंशियल दिल्ली से दरभंगा साइकिल चलाकर पहले ही दिखा दिया। अब देखना यह है कि जरूरी ट्रेनिंग और सुविधाएं मिलने पर क्या पता अगले ओलंपिक में कुछ कमाल ही हो जाए।